चांदी नहीं मांगा प्रभु, जिंदगी भर सेवा तो मांगा है राम राम, जीवन भर सेवा तो मांगा। बोले है राम कुछ मिले ना मिले, जिंदगी भर मुझे केवल और केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। ठीक है, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, और प्रेम की चर्चा है तो राम को क्या प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यार, भगवान राम का केवल प्रेम प्रिय। लक्ष्मण जी महाराज ने क्या मांगा, बोले प्रेम आनंद, मुझे प्रेम चाहिए। और प्रेम कहाँ मिलता है, बोले भगवान के भजन करने से। प्रेम कहाँ मिलता है, बोले भगवान के मंदिर जाने से। एक आनंद, अभी अभी एक आनंद अभी ट्रेडिशनल है शायद पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ पूरे भारत में, अरे बाकी गांव के लिए जाना मोर गांव के लिए जाना चाहो। अभी अभी एक घटना आप याद रही देख रहा है, छुड़िया का एक गाँव है हाले है ना, तो 7 महीना पहले पीछे 7 महीना पहले एक बड़े जान महाराज आ रहे थे, प्रदीप मिश्रा जी महाराज जान तो आदमी पैसा खर्च होते जगह मिल जाए, फोकट वाले जगह जाना पसंद करते। प्रदीप मिश्र जी महाराज ने बोले पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगर भगवान को मनाना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा प्यारे। बोले एक ही काम करना, क्या, एक लोटा जल सारी समस्याओं का, जोर से एक लोटा जल सारी समस्याओं का। फोकट पानी, फोकट एक लोटा पानी निकाल, 3-4 बेल पत्ता तोड़, जति दूर रहेगा जा सकता जा जा भगवान पर पानी रुको, बेल पत्ता चढ़ा, नान मन जमा जित खा, वापस आ सूते रहा सूते रहा। और वो दिन से मैं एक चीज देखे हूं वो दिन के बाद से, कि शायद मोर गांव के लगभग 80% महिला जो कभी जीवन में भगवान के मंदिर नहीं जाए, आज वो मंदिर जाते हैं ना, तो जब जब सुबह 9 बजे जाते हैं तो 11 बजे वापस लौटते हैं। जानते काबर काबर आज एक जीवन में इंसान के अंदर में आनंद की अनुभूति भगवान लमना से होते थे। और मैं अपने गांव का प्रैक्टिकल वैक्सीनेशन मुखिया की है मेरी पर, और गांव की आंखी लेकर प्रैक्टिकल लेकर कैंसर से पीड़ित बड़े काम सुने हो बड़े काम करते ज्यादा नहीं जाना पर मुंडन मुंडन समझता तीक पान हो बाद भी घर वाले मन सब छन मिल पाट के सब छन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पानी रुको के बेल पत्र धर के ला खवाया पानी जीते। आज ये कंडीशन में है कि बड़े काम हो बाद भी वो जिया थे और जिया थे बने बने खा थे बने बने खा थे, ये प्रभाव भगवान के अंदर विश्वास लगा के रखो। अच्छा दूसरी बात, विश्व जी ने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए भेजता हूँ, मैं तो मंदिर इसलिए भेजता हूँ क्योंकि इंसान थोड़े से क्या कमाने चालू कर दे अकड़ो अकड़ से भर जाता है, सर उसका कभी झुकता नहीं, तो कम से कम इसी बहाने मंदिर जाएगा तो ये सर झुकेगा तो ये मुड़ी मारिए तो भगवान करा वो ही बहाना मंदिर जा और जा। अच्छा बात एक बता दो, तमाम शिकायत वालों से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाना है तो इंसान के अगर हाइट 6 फीट है ना तो 6 फीट, अगर इंसान की हाइट है तो मंदिर की हाइट 5 फीट होना चाहिए ताकि वो भीतरी खुश रहे ना, तो सोझा मच 1800 का मुड़ी लग जाए भले और इसी से खुश रखे इसे मुड़ी झुका। खबर आज का ट्रेडिशनल है तो मैं देखे अभी 1.5 साल पहले फिलिप चला दी से टाकिज में साउथ के अल्लू अर्जुन लिखा ना पुष्प अल्लू अर्जुन के वो सोझा आदमी ना सोझा आदमी पैसा में लगता है मेरे चेक होते सिल्वर ये लाभ लाभ अच्छे लाभ लाभ बोला पैसा लिए तो ये आश्रम वाले भाई डीजे बजाते हैं श्रीवल्ली गाने लगी तान जाओ मन लाभ का अच्छा श्रीवल्ली तो चप्पल तो मत खा से 150 चप्पल लेता
बहुत इज्जत कर ठीक है उहुन करे मरे करे तो जे का दाढ़ी नहीं है तो कहां से नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा कैसे झुकेगा झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा क्योंकि राम के सामने जो झुकता है उसी का काम बनता है। लक्ष्मण जी महाराज झुक कर कहने लगे बोले प्रभु सब चीज मिल गया मुझे क्योंकि क्या है बोले एक ही भाव मुझे अपने जीवन में नजर आया जहां प्रेम और आनंद है क्योंकि पूरे रामचरितमानस में प्रेम को एक प्रबल प्रबल कड़ी मानी गई है। सबरी कर गई कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहु वाणी प्रेम सहित प्रभु खाए प्रेम केवट कर गई सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे एक का जादू भी सुन प्रेम मामा के लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ के बड़ा मुस्कुरा दिए और एक तरफ अयोध्या मां बाजहि बाजन विविध विधान अलग अलग प्रकार के बाजा बाजा थे अलग अलग प्रकार के गाज व साज चलत थे दुदुम कपड़ा प्रतिपी वाद्य यंत्र सब बाजत काबर राम राजा बनने वाले खुशी के लहर आवो आगमन भलो खुशी के लहर में जुड़ा छोटे से भोजन की यात्रा तमाम हमार पहुना मन जति भी रमण अपने बड़ा है जम्मू अतिथि मंडल बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। प्रिया राम चंद्र संस्कार